दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्वास्थ्य एवं वास्तु टिप्स को और साथ ही दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पा सके हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, काजू को ड्राई फ्रूट्स का बादशाह माना जाता है। भले ही काजू थोड़ा महंगा मिलता है लेकिन इसको खाने के बहुत ही ज्यादा फायदे होते हैं। इसमें कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल भी नहीं होता और आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम व एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो हार्ट प्रॉब्लम, एनीमिया और जोड़ों के दर्द जैसी बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि काजू खाना किस तरह से हमारे स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाता है। तो सबसे पहले तो दोस्तों काजू खाने से हमारे शरीर को एनर्जी प्राप्त होती है। काजू को ऊर्जा का एक बेहतरीन स्रोत बताया जाता है। इसे खाने से सेहत को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन इसकी ज्यादा मात्रा बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। अगर आपका मूड खराब है तो 2 से 3 काजू खाने से आपको इस समस्या में आराम मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों काजू में प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है जो कि हमारे बालों और त्वचा के लिए काफी फायदेमंद होता है। काजू के सेवन से हमारे बाल और त्वचा स्वस्थ और सुंदर बन जाती है। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो आपको काजू खाना फायदेमंद रहेगा क्योंकि काजू जो है वो कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखता है। इसमें प्रोटीन अधिक होता है और यह जल्दी पच जाता है। साथ ही साथ काजू आयरन का भी एक बहुत ही बढ़िया स्रोत है, इसलिए खून की कमी को दूर करने के लिए आप इसे खा सकते हैं। काजू खाने से त्वचा ग्लो करती है और रंगत भी निखर जाती है, इसलिए खूबसूरती बढ़ाने के लिए अक्सर ही घरेलू नुस्खों में इसका उपयोग किया जाता रहा है। काजू में विटामिन बी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। भूखे पेट काजू खाकर शहद खाने से याददाश्त बढ़ती है, यानी कि आपके स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। साथ ही साथ इसके सेवन से ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, काजू में प्रोटीन अधिक होता है इसलिए यह हड्डियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। काजू में मौजूद मोनोसैचुरेटेड फैट दिल को स्वस्थ रखती है और दिल की बीमारियों के खतरे को कम करती है। अगर आपको पाचन से संबंधी कोई भी परेशानी है तो आपको काजू का सेवन अवश्य करना चाहिए। काजू में एंटीऑक्सीडेंट्स पाचन क्रिया को मजबूत बनाने के साथ ही वजन को संतुलित रखता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें और किसी भी तरह का सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।